welcome to this lecture so this is our session number two mcq session number two of unit number two in the last session we have discussed mcq of unit number one hopefully you have enjoyed that session if you want link of that particular lecture kindly find the description section i have, I have shared the link i have made a separate playlist of i and ifs mcqs in today's session we are going to discuss our unit number two mcq session the topic is sectors of indian economy सो फ्रेंड बात करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपको करेक्ट सेकेंडरी ए, सेक्टर एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है दोस्तों पहले मैं आपको सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज के बारे में बताऊं तो ये बेसिकली वो ये वो सेक्टर है जो कि फिनिश गुड्स को प्रिपेयर करते हैं रॉ मटेरियल से ठीक है तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि फिनिश गुड्स को प्रिपेयर किया जाता है किससे प्रिपेयर किया जाता है तो रॉ मटेरियल से प्रिपेयर किया जाता है तो ये इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन माइनिंग ये सभी आते हैं तो जरा हम लोग ऑप्शन वाइज चलते हैं एक एक पॉइंट ऑप्शन को देखते हैं तो पहला जो ऑप्शन है हमारा कि प्रोडक्शन ऑफ कॉटन देखिए ये जो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन है ये एक प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है दिस इज़ अ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम क्या हो रहा है क्योंकि इसके अंदर आप रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचर से तो जब भी आप नेचर से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारा प्राइमरी सेक्टर का आता है नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ चलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं ऑप्शन सी को देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉटन hmm. देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉटन जो है वो हमारा टर्सरी सेक्टर एक्टिविटी है क्यों टर्सरी सेक्टर एक्टिविटी है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आप गुड्स का मूवमेंट हो रहा है ठीक है आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है राइट और मूवमेंट मूवमेंट ऑफ गुड्स कम्स अंडर टर्सरी सेक्टर और दोस्तों नन ऑफ दीज इनकरेक्ट है क्योंकि देखिए प्रोडक्शन ऑफ कॉटन और यह जो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉटन ये दोनों का दोनों जो है ये सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी नहीं है राइट तो दोस्तों इसीलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी देखिए प्रोडक्शन ऑफ कॉटन याद रखिएगा ये हमारा प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है ठीक है क्योंकि यहाँ पे आप रॉ मटेरियल को नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं कॉटन एक नेचुरल फाइबर होता है जो कि फील्ड में ग्रो किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉटन जो है हमारा ये बेसिकली टर्सरी सेक्टर एक्टिविटी है क्योंकि इसके अंदर गुड्स का मूवमेंट होता है और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो या तो आप लैंड से कर सकते हैं या सी से कर सकते हैं या एयर से कर सकते हैं

कि जहां पे आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें वेर एवर यू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स दिस कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर तो देखिए जैसे मैं आपको प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ के अंदर प्रोसेस में बताता हूं इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है जैसे कि आप स्पिनिंग कर रहे हैं यू आर स्पिनिंग ओके सपोज यू आर वीविंग यू आर डाइंग क्लॉथ स्पिनिंग वीविंग डाइंग ये सभी दोस्तों हमारे प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ के पार्ट होते हैं और फिनिश गुड्स को तब कपड़े बनाने में ब्लैंकेट बनाने में या दूसरे टेक्सटाइल को बनाने में यूज किया जाता है सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी होपली आई अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्टिसाइड द बिहाइंड दिस क्वेश्चन दैट्स दैट्स हाउ आई एक्सप्लेन इच एवरी क्वेश्चन मैं एक एक क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ ताकि आपका एक क्वेश्चन से चार या पांच क्वेश्चन क्लियर हो जाए चलिए आगे देखते हैं टर्सरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है चलिए टर्सरी सेक्टर दोस्तों एक सेक्टर होता है इकनॉमी का जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है कंज्यूमर को या बिजनेस को तो सिंपल वर्ड में बोले तो सर्विस सेक्टर कह सकते हैं ठीक है तो दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ आते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन एजुकेशन हेल्थ केयर फाइनेंशियल सर्विसेज तो टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं देखिए दूसरे ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे लिखा है डिफेंस सेक्टर तो ये डिफेंस सेक्टर दोस्तों ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है ठीक है जबकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है तो नन ऑफ द दिन इनकरेक्ट है क्योंकि दोस्तों टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं आपको बताना चाहिए दिस टर्सरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर ठीक mm. है तो बेसिकली प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि आप रॉ मेटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर से यानी नेचर से आपने क्या किया रॉ मेटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया सेकेंडरी सेक्टर में आपने क्या किया कि ये जो रॉ मेटेरियल है इसको आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है और टेसरी टेसरी सेक्टर में क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइड कर किया है कंज्यूमर या बिजनेस को इनरॉल होना है या हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें इनरॉल होना है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करें इस पार्टिकुलर नंबर पर डिटेल जानकारी के लिए कि कैसे इसमें और क्या जी जानकारी है तो बेसिकली ये हमारा डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट का भी मेंटरशिप प्रोग्राम है और कंबाइंड मेंटरशिपि प्रोग्राम भी है प्रत्येक सब्जेक्ट का यदि कॉस्ट की बात करें तो केवल आपको यदि मॉकटेस्ट में इवॉल्व होना है तो रुपीज टू हंड्रेड कॉस्ट है और ये आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना है जिसके अंदर इन्वॉल्व होना मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा पीडीएफ वीडियो मॉकटेस कैप्सूल कंटेंट सबका सब है तो ये रुपीज़ फोर हंड्रेड पर सब्जेक्ट है

विच सेक्टर वॉज इंपॉर्टेंट इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द डवलपमेंट बताइए ऑप्शन को जरा देखते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर सर्विस सेक्टर एंड दिस। दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर एक हमारा इकनॉमी का सेक्टर है जो कि फूड्स को प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस है ये सेक्टर इंपॉर्टेंट है सभी कंट्रीज में लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंट्रीज को खासकर डेवलपिंग कंट्री में राइट right? ये जो सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर दिस इज़ मोर इंपॉर्टेंट इन द इन द डेवलपिंग कंट्री बिकॉज इट प्रोवाइड फूड्स फॉर पॉपुलेशन एंड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री जहाँ तक बात करें दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर की तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो सर्विस सेक्टर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ था hmm. जैसे जैसे कंट्री डेवलप हुआ वोथ दिस सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एंड सर्विस सेक्टर बिकम मोर इंपॉर्टेंट एज द कंट्री डेवलप्स इंडस्ट्री सेक्टर तो मैनुफेक्चर गुड्स प्रोड्यूस करेगा एक क्या करेगा दोस्तों मैनुफैक्चर्ड गुड्स प्रोड्यूस करेगा और और सर्विस सेक्टर जो है सर्विस प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर को या बिजनेस को लेकिन दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी का डेवलप्ड कंट्री में ठीक है तो सबसे देखिए सिंपल सी बात है एग्रीकल्चर सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट था मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर लेस इम्पॉर्टेंट और सर्विस सेक्टर लीट इम्पॉर्टेंट इफ यू टॉक अबाउट द इीशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है एग्रीकल्चर सेक्टर का है सो द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन है सेकेंकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सर्विस सेक्टर सेक्टर इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट इन द इनि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होप फुल अनुस्टू द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नॉलेट कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर है इनमें से कौन सा ऑर्गनाइज सेक्टर का पार्ट है राइट तो देखिए सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर को आप समझिए थोड़ा लेट मी गिव यू सम हाईलाइट रिगार्डिंग दिस ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्चुअली इट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर यस देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर एक सेक्टर है इकनॉमिक है जिसके अंदर बिजनेस आते हैं जिसको कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं यानी कुछ ऐसे बिजनेस जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं ठीक है और दोस्तों कुछ रेगुलेशंस होते हैं गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं ये जो तो बिजनेस है इसमें दोस्तों यूजुअली uh, है मोर रिसोर्सेज जैसा कि ये जो बिजनेस है इसके पास ज़्यादा रिसोर्स है एज ए मनी या इम्प्लॉई hmm. तो एज कम्पेयर इन द एज कम्पेयर टू दर अनऑर्गनाइज सेक्टर hmm. दोस्तों जैसे स्मॉल शॉप हो गया ढाबाज हो गया ये सभी को अनऑर्गनाइज सेक्टर का पार्ट माना जाता है क्यों hmm. क्योंकि देखिए आपको मैं इस ढावा की बात कर रहा हूँ ढाबाज इस तो ये सभी अनऑर्गनाइज सेक्टर के पार्ट हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारे स्मॉल शॉप हैं ठीक है और ये जो ये सभी छोटे छोटे होते हैं फैमिली ऑन बिजनेस होते हैं जिसके पास सेम रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन जो एम होती है मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं ठीक है ये सभी ऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट हैं वाई क्योंकि बहुत ही बड़े हैं मल्टी नेशनल मल्टी नेशनल बिजनेस हैं इनका जो तो कि रजिस्टर्ड होते हैं सरकार के साथ मल्टीपल कंट्रीज़ में उनके पास ज़्यादा रिसोर्स होता है और ये कंपनियाँ बहुत ही एफिशियंट होती हैं एज कम्पेयर टू बिजनेस इन दरऑर्नाइज सेक्टर तो फुल आपने समझ आप समझ गए कि बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड आरोगनाइज सेक्टर तो जरा सा हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की तो देखिए ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ये हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट हैं राइट फिर दोस्तों गवर्नमेंट ऑन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट हैं ये धावा है ठीक है ये हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं ये स्मॉल सेक्टर या करेक्ट आंसर विल ऑप्शन नंबर सी डी तो नहीं होगा क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ हमारा अनऑर्गनाइज सेक्टर भी है नॉट एवरी सेक्टर इज ऑर्गेनाइज ठीक है चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में आपसे पूछा जा रहा है कि जो मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है वो किसका एक्टिविटी है वेरी गुड क्वेश्चन दैट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज विस टाइप ऑफ एक्टिविटी सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन इज प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्टर third is uh, tertiary sector and uh, sorry second is uh, tertiary sector i think uh, third is secondary sector and fourth is uh, your uh, uh, none of these ठीक है यानी इनमें से कोई नहीं यानी दोस्तों मेटल का जो एक्सट्रक्शन होता है ये कौन से में आता है। बहुत अच्छा है। मैं हमारे वो सेक्टर होता है जो कि रॉ मेटेर को एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर से इसके आपका एग्रीकल्चर फॉरिस्ट्री मिनरल एक्सट्रक्शन जो मिनरल का जो एक्सट्रक्शन है वो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी है सेकेंडरी सेक्टर में आपके पास रॉ मेटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर मैनुफेक्चरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन आता है तो कहने का मतलब कि ये जो रॉ रॉ मटेरियल मटेरियल का एक्सट्रैक्शन है है मिनरल मिनरल भी तो होता ना इज ऑल्सो रॉ मटेरियल सो रॉ मटेरियल का जो एक्सट्रैक्शन है दिस इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लीज रिमेंबर द डेफिनेशन सो यू आर एक्सट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द नेचर ओके एंड इन द सेकेंडरी सेक्टर यू आर यू आर ट्रांसफॉर्मिंग दैट रॉ मटेरियल इन टू फिनिश गुड्स एंड फाइनली इन द टर्सरी सेक्टर यू प्रोवाइड सर्विस टू द कंज्यूमर एंड बिजनेसिस सो यू हैव अंडरस्टूड होपफफली यू हैव्यूज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सेकेंडरी सेक्टर सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डट इज द प्राइमरी सेक्टर नॉलेज कम टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहते हैं पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं दूसरा ऑप्शन है सर्विस सेक्टर का तीसरा ऑप्शन है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं और लास्ट ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस बताइए प्लीज टेल आई जस्ट टोल यू आई टोल यू समाइम बिफोर देट वट इज द अदर नेम ऑफ सेकेंडरी सेक्टर सो प्लीज टेल वाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन सो फ्रेंड्स सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर क्योंकि इसके अंदर दोस्तों रॉ मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है फिनिश गुड्स में ओके सो सेकेंडरी सेक्टर इन द सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फिनिश गुड्स सो जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं जैसे मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया जैसे मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन हो गया ठीक है ये सभी है हमारे क्या है सेकंडरी सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे इकोनॉमी का सेक्टर है जो कि फूड और सर्विस फूड्स को प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करता है ठीक है तो आपने समझ लिया दिस एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर दिस सर्विस सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ टर्सरी सेक्टर एंड दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर

ठीक है दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज दैट इज मैन्युफैक्चरिंग टेक्स प्लेस इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट्स व्हाई सेकेंडरी सेक्टर इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑप्शन नंबर सी सीज दैट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टर्सरी सेक्टर सो फ्रेंड्स टू द कंटेक्स ऑफ दिस क्वेश्चन Uh, the correct answer is most of the secondary sector, that is option number B. Most of the secondary sector activity, that is manufacturing, takes place in factories and uh, factories. Uh, so, let me explain. Uh, see, secondary sector is also called industrial sector because most of the activities like manufacturing, construction, energy production, it takes place in factories and industry. Where it takes place? It takes place in factories and industries right so these activities involve the transformation of raw material into finished goods which require the use of uh, mm, uh, machinery and other equipment so the agriculture prices uh, that involves Agriculture sector, you know, agriculture sector. Agriculture sector is a sector of economy that produces foods and other, another agriculture, uh, another agriculture product. The tertiary sector is a sector of economy that provides services to the consumer, and uh, and and businessmen. So secondary sector is uh, is often associated with industrial sector, industrial revolution. You know, the secondary sector is associated with industrial revolution. Okay, mm -hmm. and uh, 19th century which, which is the period of 18th and 19th century where the, where, where, these, uh, mm -hmm. uh, where there was rapid growth in the use of machinery and regulation the organizing sector you know and the secondary sector is often seen as a symbol of modernity and progress now let's come to the next question so fully you have understood why secondary sector is called industrial sector question number 8 question number 8 is on your screen question is which of the following comes under or non organized sector mm -hmm so we have already discussed uh, that what is the meaning of the unorganised sector and the question is based on the same that uh, which of the following uh, comes under unorganised sector this is the question option a is auto repair shop option b is government department option c is uh, uh, mnc is option d is all of these so right now we have discussed regarding the unorganised sector can you answer this question very easy question it is

राइट right. सो so, uh, ये जो बिजनेस हैं ये स्मॉल होते हैं फैमिली ओन बिजनेस होते हैं जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉय होते हैं लेकिन जहाँ तक बात है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की सो द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर सो प्लीज़ रिमेंबर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड दे आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द गवर्नमेंट रेगुलेशन एम एनसीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एम एन सीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ऑर्गनाइज सेक्टर सो दिस एमसीज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गनाइज सेक्टर गवर्मेंट डिपार्टमेंट इज पार्ट ऑफ ऑर्गनाइज सेक्टर ओकेगनाइज सेक्टर इज लाइक एम एनसीज लार्ज कॉर्पोरेसन गवर्नमेंट ऑन डिपार्टमेंट ओके सो इन द लास्ट इट इजर्गनाइज सेक्टर लाइक ए स्मॉल शॉप धावाज स्ट्रीट वेंडर फार्मर सो द कंट्रीज ऑफ देशन ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑटो रिपेयर सॉप Now, friends, let's come to the next question. Next question is the main difference between organised sector and unorganised sector. Mm -hmm. So, friends, question is you have to tell me the main difference between organised and unorganised sector. Can you tell me? So, option A is organised sector are under the control of government, while unorganised sector are not under the control control of government. Please tell whether it is correct or not. Mm -hmm. The next option is uh, uh, the growth of uh, organised sector. The growth in organised sector can be lower the growth in organized sector is lower than the organized sector please tell what is the correct answer so friends let me explain the main difference between the organized and organized sector is the level of government regulation so the main difference is the level of government Regulation. So this uh, discriminate between uh, organised and unorganised sector, right? Mm. So in this particular case, uh, organised sector are business that are registered with the government and follow its guidelines and regulation. Unorganised sector are business that are not registered with the government. Mm. So this is the main difference between organised and organized sector. Now let's come to the option. Option is that organised under the control of government. Yeah, yeah, it is correct. The organized sector is under the control of the government, while the unorganized sector is not. The difference in government regulation leads to the number of other differences, such as size of the business, level of deficiency, and availability of benefit. Option B says that the growth in the organized sector is lower than the unorganized sector. So, it is incorrect. The growth of organized sector, try to understand, this question is based on the difference between organized and unorganized. The growth in organized sector is larger than in the case of the un unorganized un sector so this is because the organized sector has, has access to more resource and is more efficient. now let's come to the option number c. Mm. option number c says that there are significant differences between the mm. between appointments. there are significant differences between the organized and organized sector. so these differences are important to underline the banking kiln worker and uh, scrutiny. सो दिस इज दिस इज द कंप्लीट डिफ्रेंस बिटवीन द ऑर्गनाइज एंड ऑर्गनाइज सेक्टर नॉलेट कम टू द नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड इज इन एन ऑर्गनाइजेशन एम्प्लॉय सो किसी भी ऑर्गनाइजेशन में इंप्लाय को काम करना पड़ता है फिक्स घंटे के लिए फिक्स आवर और यहाँ पे ऑवर टाइम रेवेन्यू का प्रोविजन है इंप्लॉयर जो है किसी लीव के लिए फोर्स नहीं कर सकता बिना किसी रीजन का तो बताइए ये ऑर्गेनाइज ये ऑर्गेनाइजेशन किसी में है दोस्तों ये जो फीचर्स लिखा गया है, जैसे फिक्स वर्किंग आवर आवर टाइम रेवेन्यू इंप्लाय नॉट बिंग एबल टू फोर्स द इम्प्लाय टू लिव विदाउट ऑर्गेनाइज लिव विदाउट अ रीजन ये सभी कैरेक्ट्रिस्टिक्स है दोस्तों हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के ठीक mm. है ये फीचर्स दोस्तों अनऑर्नाइज सेक्टर में बिलोंग नहीं करते दिस फीचर नॉट बिलोंग टू द अनऑर्नाइज सेक्टर तो आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट और और मैं सो और मैं कुछ क्रेडिट्स भी बताता हूँ सो so, सबसे पहले तो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइज सेक्टर की पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि एम्प्लॉय के पास फिक्स वर्किंग आवर होगा थर्ड पॉइंट इज इम्प्लायोर कंटिन्य लैक्सलेसन लेट मी टॉक अबाउट आवर जे आई वी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सी इन आवर ऐप दीज आर द मेन थ्री प्लान विच आर अवेलेबल सो ये मेन तीन प्लान है दोस्तों जो कि अवेलेबल है हमारे ऐप में फर्स्ट इज द बाइलैंगल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इन दिस प्लान यू आर गेटिंग पी डी एफ यू आर गेटिंग वीडियोज यू आर गेटिंग मॉक टेस्ट सो मॉकटेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वाइज प्लस फुल एंड मॉक टेस्ट एज वेल एज यू आर गेटिंग डेली क्विजेज सो so फ्रेंड्स आपको इस पार्टिकुलर प्लान में चार पांच बेनिफिट मिल रहा है पीडीएफ वीडियोस मॉक टेस्ट डेली क्वेजेस एंड पर्सनल गाइडेंस यू कैन आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू इनकाउंटर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन द नेक्स्ट प्लान दैट वी हैव इज रिगार्डिंग द जी आई वी कोर्स सो इन दिस प्लान यू आर गेटिंग यूनिट वाइज कंसाइज पीडीएफ नोट्स थ्री प्लस एम क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड यूनिट वाइज थ्योरी एंड एम सीक्यू पीडीएफ सो दिस आर द बेनिफिट यू आर गेटिंग इन सीआईवी पी कोर्स And the last course we have Javi mock test. So, in this course, we are getting daily quizzes, you are getting previous year questions, you are getting unit wise mock test, and full length mock test. So, if you want to enroll for any of the plan, so kindly install our app Javi and CIV made simple. This is the name of the app. Okay, so kindly install the app. The, the, the app uh, link is provided in the description section. You can take help of that. And you can just uh, choose your enroll in your favorite course as per your requirement. Now let's come to the next next slide. So friends, now uh, question number eleven that we have uh, very nice question. Uh, this question says that how worker in unorganized sector could be protected. So question is how worker in unorganized sector. Suppose there is some worker in unorganized sector, how it can be protected? This is the question. Now let's see the option. Very nice question, very controversial question. This is. So uh, options are uh, uh, small farmer are supported. Uh, through adequate facility. So, friends, it says that a small farmers are supported through adequate facility of seed, agriculture input, credit storage, and, and, and marketing outlet. so first is uh, providing adequate facility to small farmers right so if you provide you see here keyword is providing adequate facility of seeds to the small farmer so this is a way right so uh, this include providing them with the seeds agriculture inputs credit storage and marketing outlet this will help to ensure that they have not uh, they have a substantial livelihood and not uh, exploited by middlemen right the next point is supplying a small scale industry with uh, raw material and marketing outlet so, small-scale industry will supply with raw material and marketing outlet. So, what does it mean? So, it means that this will help them to grow and expand, uh, which uh, which will create more jobs. The next point is, uh, uh, government should ensure the e is ensuring the economic and political. So, mm -hmm. ensuring the economic and social, uh, you can see, should ensure economic and social development of the worker who being to a scheduled caste, tribe, and back backward community. Mm -hmm. So, it means that um, uh, they the providing them with education, health care, and other essential services. So, these are some of the measures through which worker in the, in the online sector can be can protected. So friends, the correct answer to this question is option number D, all the above. That means uh, use by using all these above methods, uh, the worker in the online on on sector can be protected. Hopefully, you have understood the concept which is lying behind this particular question. Now let's come to the next slide that we have. So friends, uh, next slide is regarding uh, identify the correct secondary secondary sector activity. So you have to identify the correct secondary sector activity. Please tell what is the correct secondary sector activity.

So now, uh, the identify the correct secondary sector activity. This is the question, right? So tell me, production of cotton. So production of cotton is not a secondary sector activity, primary sector activity, because cotton is produced from the raw material. From the so this is a uh, you know secondary sector is, is the sector that transform raw material to finished goods. So option number B is correct. We have already discussed this question in the earlier session, right? Why it is correct? I have already described in detail that you know this uh, uh, in the secondary sector what you do. You just convert the

द नेक्स्ट क्वेश्चन सो फ्रेंड्स बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज यूज द कपन कोड पी डी एफ टेन टू अवेल इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ रुपी टेन टेन परसेंट ऑन एनी पी डी एफ कोर्स फॉर जे आव एन सिया प्लीज यूज दिस पार्टिक्युलर कोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अव कमिंग जी आगामिनेशन हाउ टू इन हाउ टू अपलाई सी यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल दिस पार्टिकुलर एप जे आव एन सिया मेट सिंपल यू जस्ट सर्च ऑन द प्ले स्टोर और यू कैन क्लिक ऑन द डिस्क्रप्शन ऑन द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन या तो आप प्ले स्टोर पर सर्च कर ले यानी तो जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन ने प्रोवाइड किया उस पर क्लिक करें आप जरूर आप इस ऐप पे पहुंच जाएंगे उसके बाद दोस्तों आपको अपना ओ बताना है ऐप बिल्कुल फ्री है इसमें सारा इसमें आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो फ्री मेटेरियल का कंटेंट आएगा फ्री मटेरियल के कंटेंट में दोस्तों आपको डेली क्विजेस अपलोड किए जा रहे हैं प्लीज टेक हेल्प ऑफ द डेली क्विजे विच आई एम अपलोडिंग ऑन डेली बेसिस सो दिस इज द लोगो ऑफ अवर ऐप प्लीज इंस्टॉल दिस पार्टिकुलर ऐप एंड एन्जॉय द जर्नी ऑफ योर जे आई एग्जामिनेशन